भगवान गोवर्धन को क्यों लगता है छप्पन भोग जाने महत्व। दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा 8 नवंबर 2018 को मनाई जाएगी। भगवान गोवर्धन को इस दिन छप्पन भोग लगाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर में इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। साथ ही इंद्र भगवान के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान ने खुद यह रूप धारण किया था। तब से ही इस दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। यह त्योहार भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र देवता को हराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में मुख्य रूप से गिरिराज भगवान का पूजन किया जाता है। श्रद्धालु गाय के गोबर से भगवान की आकृति बनाकर खीर, बतासे, माला, मीठे और स्वादिष्ट भोजन के साथ पूजा करते हैं। वे छप्पन भोग के लिए नवेद्य 108 प्रकार के भोजन पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने के लिए मनाते हैं। इस दिन गिरिराज भगवान को छप्पन भोग लगते हैं, जिसका अपने आप में काफी महत्व है। पर क्या आप जानते हैं कि छप्पन भोग में भगवान को किन चीजों का भोजन शामिल किया जाता होगा? इसलिए हम आपको भगवान गिरिराज को लगने वाले छप्पन भोग के बारे में बताएंगे। छप्पन भोग के नाम इस प्रकार है: 1. भक्त भात, 2. सूप दाल, 3. प्रले चटनी, 4. सदिका कढ़ी, 5. दधिशाक जा दहीशाक की कढ़ी, 6. सिकरणी सिकरन, 7. अवले शरबत, 8. बालका बाटी, 9. इक्षुखेरणी मुरबा, 10. त्रिकोण शर्करायुक्त, 11. बटक बड़ा, 12. मधुशीर्षक मटरी, 13. फेणिका फेनी, 14. परिष्टश्च पूरी, 15. शतपत्र खजला, 16. सधिद्रक घेवर, 17. चक्राम मालपुआ, 18. चिल्दिका चोला, 19. सुधा कुंडलिका जलेबी, 20. धृतपुर मेसू, 21. वायुपुर रसगुल्ला, 22. चंद्रकला पगी हुई, 23. दधी महारायता, 24. स्थूली थूली, 25. कर्पूरनाड़ी लौंगपूरी, 26. खंड मंडल खुरमा, 27. गोधूम दलिया, 28. परिखा 29. सुपलाड्या सौयुक्त, 30. दधिरूप बिलसारू, 31. मोदक लड्डू, 32. शाक साग, 33. सौधान अधानोलाचार, 34. मंडक्का मोट, 35. पायस खीर, 36. दधी दही, 37. गोघृत गाय का घी, 38. हेयंगपीनम मक्खन, 39. मंडूरी मलाई, 40. कूपिका रबड़ी, 41. परपट पापड़, 42. शक्तिका सीरा, 43. लसिका लसी, 44. सुवत 45. संघाय मोहन, 46. सुफला सुपारी, 47. सीता इलायची, 48. फल 49. तांबूल 50. मोहन भोग 51. लवण 52. कषाय 53. मधुर 54. तिक्त 55. कटु 56. अम्ल भगवान कृष्ण को प्रदान करने के लिए गेहूं, चावल बेसन और पत्तेदार सब्जियों की करी के रूप में अनाज का भोजन बनाकर गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग गोवर्धन पर्वत का अन्नकूट विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर गोवर्धन पर्वत की नाचकर और गाकर पूजा करते हैं। लोग गाय के गोबर से गोवर्धन धारा जी के रूप में बनाते हैं और उसे भोजन और फूलों से सुसज्जित करके पूजा करते हैं। अन्नकूट का अर्थ है कि लोग विविध प्रकार के भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। भगवान की मूर्ति को दूध में नहला कर और नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने पहनाए जाते हैं। उसके बाद पाठ पौराणिक प्रार्थना भोग और आरती के साथ पूजा की जाती है। लोग प्रसाद लेकर और भगवान के पैर छूकर भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं।